है आप सभी का जेटीवी भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। 15 मार्च को कुआताल परिसर में कुआताल मिलने से संबंधित पहली बैठक हुई। पहली बैठक में पवई विधायक प्रहलाद लोधी, एसडीओपी सौरभ रत्नाकर, एसडीएम श्रुति अग्रवाल और कई विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मेले का संचालन सुचारू तरीके से हो, समय पर हो, इन सब बातों का मीटिंग में पहली बैठक में ध्यान दिया गया। पिछले मेले में जो कमियां थी, इस बार वह कमियां भी दूर करना है और मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का परेशानी ना सामना करना पड़े, इसलिए विधायक ने अधिकारियों से बड़े शब्दों में कहा, इस बार लापरवाही किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक जी, पन्ना जिले का ऐतिहासिक मेला है जो माँ कंकाली के यहाँ पर लगता है, और आपने सभी अधिकारियों को वार्निंग भी दी कि सब काम जो भी मेले से संबंधित हैं समय पर हो सकें। पिछली बार जो कमियां थी, इस बार हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृपया, आज एक पहली बैठक हुई, प्लीज़ बताएं। देखिए, बुंदेलखंड का ये सबसे बड़ा मेला है जो नवरात्रि से लेकर के 15 दिन तक ये मेला चलता है। इसमें सुई से लेके सोना तक इस मेले में मिलता है। यहाँ पे 25,000-26,000 करीब दुकानें आती हैं, कानपुर से भी आती हैं, जबलपुर से भी आती हैं। तो ये इस क्षेत्र का जैसे दमोह, पन्ना, सतना, कटनी, छतरपुर, ये इस 4-5 जिलों का सबसे बड़ा ही मेला होता है। वैसे तो बुंदेलखंड का बड़ा मेला है, तो इसके लिए आज, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो अधिकारी कर्मचारी मर्यादा बंधे होते हैं, तो बाद में किसी की कहीं ड्यूटी लग रही थी, आज एक प्रथम बैठक मेले की उसमें रखी गई है, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराया गया है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी से पूर्ण करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई। आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र में आए, जब से आप एक्शन मोड में हैं, आज भी आपने वार्निंग दी है अधिकारियों को कि आप लोग सतर्क हो जाएं और हम अपनी विधानसभा किसी प्रकार की हमें लापरवाही नहीं चाहिए। देखिए, जब जनता हम लोगों को चुन के भेजती है तो उनकी आशा रहती है हमारे, और हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र की जनता, उनके लिए जनप्रतिनिधियों की जनता उनकी भगवान होती है, वो भगवान की सेवा करने के लिए हम जैसे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है। अगर वो परेशान हो रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, तो हमारा जनप्रतिनिधि बनना भी बेकार है। इसलिए हम जनता की लड़ाई के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद विधायक जी। पवई एसडीओपी सौरभ रत्नाकर सर, आज पहली बैठक हुई है कुआताल का, ये ऐतिहासिक मेला है पन्ना जिले का, और आपकी पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद रही है, और पुलिस की तरफ से सर क्या व्यवस्था है, इस बार पूरी पुलिस चौकस रहेगी सर मेले में? प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि के समय कुआताल में मेले का आयोजन किया जाना है। प्रत्येक वर्ष सभी तरह से जो है सभी विभागों के समन्वय से यहाँ व्यवस्था की जाती रही है। पुलिस व्यवस्था के संबंध में आज की मीटिंग में चर्चा हुई। प्रतिवर्ष की तरह पुलिस व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अस्थायी चौकी, सभी व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी। और पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअली इतनी बड़े मेले में, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। सिमरिया TI भी यहाँ पे, तो चारों तरफ की सर जो यहाँ पे नाकेबंदी ऐसी क्या है, ट्रैफिक का आना जाना बहुत होता है, इससे संबंधित सर होगी सर सारी व्यवस्था। कुआताल में जितने भी अप्रोच रूट्स हैं, हम सभी जगह पार्किंग बना रहे हैं। लोकल का जो हमारा पुलिस फोर्स है, इसके अलावा हम अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स प्रतिवर्ष बुलाते हैं, तो काफ़ी अधिक संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात रहेगा और हर तरह की व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादित किया जाएगा। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। पवई SDM श्रुति अग्रवाल मैम, पन्ना जिले का ऐतिहासिक मेला है और आपने अभी सभी अधिकारियों, क्योंकि सबसे संबंधित अधिकारी आते हैं यहाँ से, बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी होते हैं, सिंचाई विभाग से संबंधित अधिकारी होते हैं, PHE के होते हैं, तो पिछली बार जो मेले में जो कमियाँ थी, आपने सबको वार्निंग दी कि मुझे इस बार सारे काम टाइम से चाहिए मैम, क्योंकि ऐतिहासिक मेला है, प्लीज़ बताएं इसके बाद पहली बैठक की। ये प्राचीन मेला है, यहाँ पर हर वर्ष होता रहा है, कुआताल मेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को, सभी विभाग के अधिकारियों को हमने बुलाया था और सबको निर्देश दिए हैं, सबको निर्देशों के अनुसार हमें समय से पहले वो कार्य करते हैं ताकि मेला सुचारू रूप से संपन्न हो सके। थैंक यू मैम, थैंक यू।